प्रकाश अम्बेडकर बोल रहा हूं। वंचित बहुजन अघाड़ी देशभर में एक नई राजनीति शुरुआत करना चाहती है। महाराष्ट्र से शुरुआत की, MIM के साथ में बैठ के लोकसभा के चुनाव में समझौता किया, जिसका फायदा यह हुआ कि एक सीट MIM की जीत गई और एक काफी बड़ी चर्चा शुरुआत। उम्मीद थी कि विधानसभा में भी ये गठबंधन आगे बढ़ेगा, लेकिन MIM की ओर से यह कहा गया कि 100 सीट हमको चाहिए, विधानसभा की 288 सीट है। इसलिए आप ही समझ सकते हो कि एक कृषि समाज को इतनी बड़ी पैमाने पर सीट नहीं दी जा सकती। समझौता हुआ नहीं, नतीजा आपके सामने। बिहार के चुनाव में मुसलमानों के साथ मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। जो महाराष्ट्र में नहीं हुआ वो हम लोग बिहार में दोबारा करना चाहते हैं, और इसलिए बिहार के इलेक्शन हम लोग चुन रहे हैं। बिहार के इलेक्शन लड़ने का मकसद यही है कि NDA को हराना है। 16-17% मुसलमान हैं, 18-19% अम्बेडकरवादी है, शेड्यूल कास्ट है। दोनों की संख्या मिलाई जाए तो 40% होता है। 40% से किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। NRC का मुद्दा, सिटीजनशिप का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, ये सरकार सबके खिलाफ है। और इसलिए मौलवी है, मौलाना है, पढ़े लिखे मुसलमान है, आप इस बात पर सोचिए कि विधानसभा के चुनाव के अंदर अगर अम्बेडकरवादी, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम अगर इकट्ठा जाता है तो हम NDA के सरकार को हरा सकते हैं। और इसलिए इकट्ठा जाना जरूरी है। मुस्लिम समाज इस पर सोचेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ।